और एनी स्टूडेंट क्या रेलेवेंट क्वेश्चन है कि व्हाई द लीव्स आर ग्रीन इन कलर, यू माइट आस्क योर टीचर, पूछ सकते हो ना, जब पहली बार पत्ती देखी और जब कंसेप्ट आया ग्रीन कलर वाला पूछोगे। अगर टीचर बोलता है क्लोरोफिल और तुमने याद कर लिया, एग्जाम में लिख के आ गए, नंबर आ गए, यू माइट टॉप, तुम एग्जाम में स्कोर कर लोगे, बट द पर्पज ऑफ साइंस वहां पे बैठ गया, ठीक है। सो आंसर इज देयर इज सम डिफरेंट फिनोमेना इन्वॉल्वड बाय विच वी परसीव द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। और आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ सी वी रमन सर कि उनने जो अपनी नोबेल प्राइज मिलने वाली रिसर्च करी ना, कैसे करी थी, आगे आएगा अपने, ठीक है, आगे बढ़े। सो वी हैव टू ट्रेन आवर ब्रेन विद अ वेरी सिंपल अप्रोच, एंड द अप्रोच इज अप्रोच ऑफ वाई, ठीक है। ब्लैक बोर्ड क्यों होते हैं, अभी आने लगे ना ग्रीन बोर्ड, हमारे टाइम पे ब्लैक बोर्ड थे, आलोक ब्लैक बोर्ड क्यों ब्लैक बोर्ड थे, वाई, एज अ स्टूडेंट इफ आई एम आस्किंग एंड यू आर द टीचर, बताओ सर ब्लैक बोर्ड ही क्यों थे जब हम पढ़ते थे, क्या बोलोगे, कुछ तो बोलो, टीचर बनाया ना ये भी, वाइट चौक उस पर दिख जाए, चौक वाइट ही क्यों दिखे, काला चौक क्यों नहीं बनाया, तो सफेद बोर्ड पे काले चौक से लिख दो, आजकल लिखते ना, वाइट बोर्ड पे होता आजकल सब, देखो सारे बैकग्राउंड वाइट है, जितने भी प्रिंट हो रखे हैं, जब चौक बना था ना, प्रमोट चौक को करना था, ये बिजनेस प्रोपेगेंडा था, इसका साइंस से लेना देना नहीं था, मैंने बनाया चौक, अब चौक मेरे को बेचना है, तो मैं चौक अगर बेचूंगा और पीले रंग का बोर्ड दूंगा तो बच्चे बोलेंगे दिखता तो है नहीं सर, तो स्कूल तो लेगी नहीं, तो चौक के साथ मैं काला बोर्ड भी रखूंगा जिस पे ही चला के दिखाऊंगा, देखो धूल नहीं उड़ती है, डस्टलेस है, राइट, बिकॉज अब क्यों है, व्हाई वी हैव ग्रीन बोर्ड्स, व्हाई वी हैव व्हाइट बोर्ड्स, वी हैव मार्कर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, क्योंकि अब वो बिजनेस मॉड्यूल जो है ना चौक वाला, वो खत्म हो गया, क्योंकि एलर्जी होने लगी टीचर्स के, सरकारी स्कूल में मोस्टली क्या होता है, टीचर्स बोलते हैं एलर्जी है डस्ट से मेरे को, मैं तो नहीं पढ़ाती, बैठे बैठे मैथ पढ़ाऊंगी, तुम भी रीड कर लो मैं भी रीड कर दूंगी, राइट। सो उस बहाने को हटाने के लिए वी हैव चेंज दैट थिंग, ठीक है। सो दैट्स द वाई अप्रोच, ये किसी भी जगह आ सकती है, एनी वेयर इन योर लाइफ यू कैन आस्क द क्वेश्चन वाई, ठीक है। वेरी फर्स्ट थिंग, यू हैव द राइट टू आस्क द क्वेश्चन वाई, बट यू शुडंट गो टू द लेवल ऑफ अपसर्डिटी, है ना, अपसर्ड नहीं होना चाहिए कि बस पीछे पड़ जाओ, क्यों क्यों क्यों, ठीक है, एक लेवल तक होती है हर चीज, बिकॉज यू वॉन्ट टू लर्न, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, सो वर्नर हेजनबर्ग का नाम सुना, वर्नर हेजनबर्ग जो है इनने दिया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड द लाइन हियर सेज दैट आस्किंग द राइट क्वेश्चन इज फ्रिक्वेंटली मोर देन हाफ वे, यानी ही इज वेरी सर्टेन कि अगर सही सवाल पूछोगे तो आधा काम तो तुम्हारा वहां पे ही हो गया, ये वर्नर हेजनबर्ग ने दिया था, ठीक है। अब अपन देखते हैं हिस्ट्री के तीन, देर आर इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स, आई विल टेक जस्ट थ्री, हाउ आस्किंग द राइट क्वेश्चन विद द रेलेवेंट अप्रोच एंड रेलेवेंट सोल्यूशन थिंग्स वर क्रिएटेड, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, सो दे आर थ्री एग्जाम्पल्स, एल्बर्ट आइंस्टीन, टिम बर्नर्स ली एंड सी वी रमन। एल्बर्ट आइंस्टीन वी ऑल नो, अभी उनका दिमाग का स्लाइड देखा अपन ने, है ना, अब तो उनको बहुत गहराई से जानते हैं अपन, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कुछ ऐसा किया था जब वो 16 साल के थे, 16 साल के कितने हो यहाँ पे, देख लो सामने, नाउ दैट्स अ चैलेंज फॉर यू, ठीक है, देखना क्या किया था, ठीक है। 16 साल के थे तब उनने कुछ ऐसा किया था जो उस वक्त गलत था, पैराडॉक्स था, फिर उसी के कारण एल्बर्ट आइंस्टीन 1900s का सबसे इंटेलिजेंट आदमी बन गया, बट दैट वॉज अ पैराडॉक्स वेन ही वॉज स्टडिंग इन दिस स्कूल, ठीक है। टिम बर्नर्स ली, एनीवन नोज हु इज टिम बर्नर्स ली, वर्ल्ड वाइड वेब, www, इंटरनेट देने वाले इंसान, ठीक है। लेट्स सी क्या हुआ था, नेक्स्ट स्लाइड। सो एल्बर्ट आइंस्टाइन जब 16 साल के थे तो उनको क्लास में बैठे बैठे डाउट आया कि अगर ये जो लाइट आ रही है इस बल्ब से, ये वेव है, और अगर मैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ ट्रेवल करूंगा तो ये वेव तो रुक गई, बट रुकी हुई लाइट की डेफिनेशन नहीं है, इफ आई ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट देन द वेव विल अपीयर टू बी एट रेस्ट, ठीक है। और ये उस वक्त वेव थ्योरी के हिसाब से ये चीज गलत थी, पैराडॉक्स थी, यानी उस वक्त के जो महारथी थे, जिनने उस वक्त तक नोबल वगैरह जीत लिए थे, ठीक है, जो रिकॉग्नाइज हो चुके थे, उनको उनके हिसाब से, जो बड़े फील्ड मेडल वाले थे, बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, उनके हिसाब से ये चीज़ गलत थी, ठीक है, कि
वेव के साथ अपन अगर जाते हैं और वेव रुक जाती है तो डेफिनेशन ऑफ वेव एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है? ये पैराडॉक्स था. ही कंटिन्यूसली वर्कड फॉर 9 ईयर्स ऑन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड देन ही गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने न्यूटन को मात दे दी. उसने न्यूटन की ग्रेविटी में एक गलती निकाल दी. एंड राइट नाउ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से जो ग्रेविटी की डेफिनेशन आई उस पे 2016 में, राइट मैम, 2016 किपथोन, 2016 में नोबेल प्राइज मिला है. 1905 में कुछ प्रपोज होता है, 1896 में किसी के दिमाग में आता है और 2016 में उस पे नोबेल प्राइज मिलता है. आर यू रेडी टू चैलेंज समथिंग लाइक दैट? क्या तुम्हारा दिमाग तुम इतना रखोगे तैयार कि तुम जो उस वक्त कर रहे हो, तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आया, क्या तुम उसको पकड़ोगे? जो पहला लूनर मॉड्यूल बना था ना नासा का, उसके 3 वो प्रपोज हुए थे डिजाइन. एक डिजाइन प्रपोज हुआ था सीधा फेंको, चांद पे उतरो, एज सिंपल एज दैट. हैवी रॉकेट बनाओ, कितना हैवी बनाओ, तकरीबन 10 लाख किलो वजन का रॉकेट होगा, लेके उड़ेगा और आगे पहुंच जाएगा चांद पे. मैं बात कर रहा हूँ 1960s की, जब USSR और USA में कोल्ड वॉर था, स्पेस रेस चालू हुई थी. वहाँ पे एक बंदा था जिसकी कोई नहीं सुनता था, कोई भी नहीं सुनता था. जब वोट हुआ तो उसको 3% वोट मिले उसकी डिज़ाइन को, लेकिन वो पीछे पड़ा रहा. आज तक के जितने भी मॉड्यूल उड़े हैं ना, जिसमें एस्ट्रोनॉट गए हैं और जिसमें अभी जाने वाले हैं 2024 में भी, वो सारे वही मॉड्यूल हैं जो उस 3% जिसको वोट मिले थे ना, उस बंदे ने प्रपोज किए थे. जस्ट बिकॉज ही कैप्ट लिंगरिंग ऑन इट. कहा था ना अभी सर ने, कीप द कम्युनिकेशन चैनल ओपन. वो हर जगह जाता था, बात करता था, ये नहीं कहता था यार सब ने मना कर दिया यानी मॉडल में गड़बड़ है. नहीं, उस बंदे ने जो मॉडल दिया ना, आज भी वही मॉडल यूज होता है और वही मॉडल अभी यूज होगा जिससे कि अभी एस्ट्रोनॉट्स चांद पे जाएंगे 2024 में, जहाँ पे माना जा रहा है इस बार फर्स्ट एक वुमेन एंड अनदर मैन इज गोइंग टू लैंड ऑन मून. नासा ऐसा करने वाला है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू टिम बर्नर्स-ली. लाइफ ने इनके सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन पोज किया. सर ने एक बहुत बड़ा लैब, बहुत 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 बड़ा लैब है, इतना बड़ा लैब है कि उसके अंदर एक 25 किलोमीटर लंबी टनल है जिसके अंदर पार्टिकल्स एक्सेलरेट करके एक्सपेरिमेंट होते हैं. वी आर नॉट गोइंग टू गो इन द डिटेल्स ऑफ दैट, बट वहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स होते थे उसका जो डेटा था, जैसे अभी तो क्या ना इंटरनेट है, तो वो डेटा जो होता था ना वो लोकल मशीनों पे होता था. तो मान लो मेरे को डेटा चाहिए, तो मैं बोलूँगा मान लो ये जो बंदा बैठा है ये टिम बर्नर्स-ली है, अनअवेयर है ना, और मैं इसको बोलूँगा कि यार सर डेटा चाहिए, तो क्या होगा? ये क्या बोलेगा, ला सीडी ला राइट कर देता हूँ, पेन ड्राइव ला लगा के दे देता हूँ, या अपना कंप्यूटर ला जोड़ के दे देता हूँ, ठीक है. बट नाउ सिंस आई एम वेरी क्लोज टू हिम, ही कैन गिव मी अ पर्सन फ्रॉम द लास्ट. दैट पर्सन कम्स टू हिम, बोलते हैं सर डेटा चाहिए, उस रिसर्च का डेटा चाहिए, बिकॉज दैट इज़ वेरी वाइटल. टिम बर्नर्स-ली क्या बोलेगा, देख भाई आके ले सकता है तो ले ले, मैं तेरे को देने तो आऊँगा नहीं, राइट? ही कुड हैव इजीली डन दैट, ही वॉज दी इन चार्ज ऑफ दिस फैसिलिटी जो उस डेटा को कंट्रोल करती थी. बट देन ही वॉज काइंड ऑफ क्रिएटिव, एक चीज़ होती है ना लेटरल थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स. ही थॉट कि क्यों ना कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि डेटा सबके पास हो भी और किसी के पास नहीं भी हो. एंड देन ही डिवाइज्ड वर्ल्ड वाइड वेब, पहले लोकल सर्न में चालू किया और अब पूरी दुनिया के पास है. सो अगेन यहाँ पे जो लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन लोकल मशीन पे थी उसको पूरी दुनिया में अगर शेयर करना था तो क्या करें? सो दैट चैलेंज बिगर द चैलेंज बिगर द अपॉर्चुनिटी. अगर ये चैलेंज नहीं होता टिम बर्नर्स-ली के पास तो ऑब्वियसली रिकग्निशन भी नहीं होता. अब बात करते हैं अपन सीवी रमन सर की, ये तुम सब आराम से रिलेट कर पाओगे. हुआ ये इंग्लैंड से वापस आ रहे थे जहाज के रस्ते, तो डॉक के डॉक खड़े होंगे उस पर, डॉक होता है जो शिप का, और देख रहे थे बाहर तो समुद्र जो था अलग अलग नीले रंग दिखा रहा था. लंबी जर्नी होती है, 4-5 महीने मान लो, या 6 महीने से आए तकरीबन, ठीक है. तो 6 महीने में समुद्र ने अलग अलग रंग दिखाए, गाढ़ा नीला, हल्का नीला और जो भी शेड्स ऑफ ब्लू हो सकते हैं. सो ही गॉट अ डाउट कि समुद्र जो है वो नीला क्यों है. अ बेसिक क्वेश्चन ही आस्क्ड, व्हाई द ओशन इज अपीयरिंग ब्लू, ठीक है. अब तुम्हारे पास जब कोई डाउट आता है और टीचर अवेलेबल नहीं है तो तुम किसके पास जाते हो? क्लास के टॉपर के पास. यू मे बी द टॉपर, तो तुम्हारे पास बच्चे आते होंगे. उस वक्त इस पर्टिकुलर एरिया का जो टॉपर था उसका नाम था रैले. रैले रैले वॉज द मास्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर फील्ड. नाम था उनका रैले, सर रैले. ही गॉट द नोबेल प्राइज. ही एक्सप्लेन्ड वाई द स्काई इज ब्लू. रैले ने ये एक्सप्लेन किया था कि आसमान नीला क्यों है.
तो सीवी रमन सर को रदरफोर्ड, नाम सुना है रदरफोर्ड, रदरफोर्ड ने क्या दिया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियस बताया. तो रदरफोर्ड वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ सीवी रमन, राइट. रदरफोर्ड जो थे ही वाज द स्टूडेंट ऑफ जे जे थॉमसन, नाम सुना है, नील्स बोर का नाम सुना है, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ रदरफोर्ड. कैन यू कनेक्ट? तो जैसी संगत में रहोगे ना तो बैक टू बैक नोबेल प्राइज मिलेंगे, है ना. संगत का असर है, देख लो, यही तो है संगत का असर. थॉमसन ने लिया तो रदरफोर्ड को दिलाया, रदरफोर्ड ने लिया तो नील्स बोर को दिलाया. तो उसी संगत में चले तो थॉट प्रोसेस सेम हो गया, ठीक है. सो रदरफोर्ड ने बोला कि यार चल चलते हैं रैले के पास चलते हैं, उससे ये तो है तुम्हें क्लास में तो क्या होगा, अबे चल चल उससे पूछते हैं, जैसे हम करते थे, चल आलोक से पूछते हैं. हाँ, ये हमारे बिट्स में बहुत ही ऊपर ही ऊपर रहता था. तो वैसे ही रैले से पूछने गए. अब रैले जो था ना, क्या ना, नोबेल प्राइज जीता हुआ था, तो उसने सोचा कि अगर मना कर दूंगा तो अजीब लगेगा ना, कि यार नोबेल प्राइज मिला इसी फील्ड में कि कलर फिनोमेना क्यों है. तो मना नहीं करा और बोला मे बी रिफ्लेक्शन, मे बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द स्काई. तो सी वी रमन सर ने बोला या रदरफोर्ड को बोला, यार नहीं जम रही है बात. तो रदरफोर्ड ने बोला नहीं जम रही तो खुद ढूंढ ले भाई. अब तुम्हारे पास ऐसे दोस्त हैं क्या जो बोलते हैं नहीं समझ में आ रहा तो खुद ट्राई तो कर, या बोलते हैं छोड़ जान दे टॉपर को ही नहीं आ रहा तेरे को क्या आएगा, है ना. तो अपने साथ क्या होता है ना, अपन सी वी रमन सर अगर हैं तो जब टॉपर मना करेगा और टीचर भी नहीं दे पाएगा तो खुद जाएंगे. सी वी रमन सर इंडिया वापस आए, 127 रुपये खर्च करे, तब बड़ा अमाउंट था 127 रुपये, दैट टाइम इट वॉज अ बिग अमाउंट. लेकिन उनने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी दी दुनिया को, बताया कि पानी नीला क्यों है, सब बताया. एंड ही गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट फिनोमेना. रमन सर गॉट द नोबेल प्राइज फॉर दैट फिनोमेना, जो कि उनका मेन एरिया ऑफ रिसर्च नहीं था. ही गॉट अ क्वेश्चन इन हिज माइंड कि पानी नीला क्यों है, रैले बता नहीं पाया. रदरफोर्ड ने बोला मेरे एरिया का नहीं है, मेरे फील्ड का क्वेश्चन नहीं है, मैं बता नहीं सकता, खुद ट्राई कर. ही ट्राइड, ही गॉट द आंसर, और इस एक्सटेंट पे एक्यूरेट आया आंसर कि ही वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज. एक साल बाद, यानी इस साल डाउट आए तुम्हारे, अगले साल तुम नोबेल प्राइज लेने जा रहे हो. इट वॉज सच अ पावरफुल थिंग, ठीक है. बट वॉट वी कैन लर्न हेयर, वी कैन लर्न हेयर, नंबर वन, तुम उम्र में छोटे हो तो जरूरी नहीं है तुम्हारा आइडिया जो है वो खोटा है, राइट. दैट इज वॉट आइंस्टीन टोल्ड अस. 16 साल के हो तो जरूरी नहीं है कि तुम महारथियों को नहीं हरा सकते, इजिली कैन बी डन. परस्यू करोगे क्या? इसका एक ऑफ बीट एग्जाम्पल लेता हूँ. मेरा क्रिकेट बहुत बड़ा पैशन था, राजस्थान रणजी में सेलेक्ट होने वाला पैशन था. अंडर 17 के लिए गया हुआ हूँ सिलेक्शन के लिए, ठीक है. क्रिकेट इतना बड़ा पैशन था कि बहुत क्लोजली फॉलो करता था मैं क्रिकेट को. मैं कर्नाटका स्टेट से 4 साल खेला हूँ सेकंड डिवीजन क्रिकेट, व्हेन आई वाज इन इसरो, यानी इसरो के साथ साथ मैं ये भी कर रहा था, ठीक है. तो क्रिकेट में हैव यू हर्ड नेम ऑफ मारवन अट्टापट्टू, नाम सुना मारवन अट्टापट्टू का. मारवन अट्टापट्टू वॉज द वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ श्रीलंकन टीम. लेकिन पहले 6 साल जो उसके इंटरनेशनल करियर के थे, उसका टोटल स्कोर 6 साल क्रिकेट खेलने के बाद इंटरनेशनल लेवल पे 3 था 3. ही वॉज द मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, कुछ भी बोल दो लोकल लेवल पे, यानी जो श्रीलंका के अंदर टूर्नामेंट्स हो रहे हैं उसमें मारवन अट्टापट्टू के बराबर कोई नहीं है. बट वेन ही गोज ऑन द बिगर फ्रंट, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, एंड ही इज गेटिंग डक्स, गोल्डन डक्स, बैक टू बैक 0-0-0 पे आउट. बट देन वो 5 साल, वो 6 साल जो उसका टोटल स्कोर 3 रहा इतना खेलने के बाद भी, स्टिल परसिवरेंस, ग्रिट, जिद कि मैं करूंगा. एंड ही डिड इट, एंड ही बिकेम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन ऑफ श्रीलंकन टीम क्रिकेट की हिस्ट्री में, आफ्टर हिम इज संगकारा, ठीक है. तो वही बात यहाँ पे है. तो वी हैव इनफाइनाइट एग्जाम्पल्स ऐसे लोगों के जो अपने एक आइडिया को पकड़ के चलते हैं, और जो पकड़ के नहीं चलता आइडिया को छोड़ देता है. देखा अपन ने ग्राहम बेल, राइट, राइट ब्रदर्स गॉट द चांस. और ऐसे तो मूवीज में देख लो, बहुत सारी मूवीज हैं जहाँ पे एक अच्छे एक्टर ने मूवी छोड़ी, एक नॉर्मल एक्टर ने मूवी करी, मूवी हिट हो गई. खूब एग्जांपल्स आते हैं ऐसे, है ना. दैट इज अ वन थिंग. सेकंड, व्हेन देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ यू, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम तुम्हारे सामने है, दैट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी इन फ्रंट ऑफ यू. जीत जाओगे तो तुम बादशाह, अगर नहीं कर पाए तो इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ थिंग्स यू विल गोइंग टू लर्न, यू आर गोइंग टू लर्न इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ थिंग. आई विल कम टू दैट अगेन.
एंड लास्ट सीवी रमन सर कि जब एक्सपर्ट भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाए, अपना रास्ता बनाने की कोशिश करनी है. फाइन, नेक्स्ट. ओके, ये कौन है? सब जानते हो क्या? सब पीछे भी सब जानते हैं क्या? जो नहीं जानता हाथ उठाओ. एक अंकल नहीं जानते. ये विराट कोहली है सर, ठीक है. ये कैप्टन है अपने, अनुष्का शर्मा जी के हस्बैंड है, ठीक है. अगला बताओ, वर्ल्ड स्पेस वीक की थीम क्या है इस बार? तुमको पता है 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर, और इसने ऐसे टाइम पे बुलाया ना मेरे को आलोक ने, ये अपन का एरिया है. 4 से 10 अक्टूबर का जो वीक होता है ना, वो हर साल वर्ल्ड स्पेस वीक बनता है. क्यों? 4 अक्टूबर 1957 में स्पुतनिक गया था, जिसने स्पेस वॉर चालू कर दिया था USSR और अमेरिका के बीच में, जिसके चलते अपने को सब मिले, नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और नासा के रोवर्स, लैंडर्स, क्यूरियोसिटी, जो कुछ भी थे, सारे रोवर, लैंडर, मार्स मिशन, मून मिशन, अपना इसरो का आना, जाक्सा का बनना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का आना, सब हुआ 4 अक्टूबर 1957 के कारण. तो क्वेश्चन इज, फिर से पीछे जाएं, ये कौन है? अगले पे आए, थीम क्या है? नहीं पता ना? गलती थोड़ी ना नहीं पता तुमको. कुछ समझेंगे अपन इससे, कुछ सीखेंगे. नहीं पता, और भी तो बहुत कुछ नहीं पता, राइट? विराट कोहली का कैसे पता है? आज तो उसका भी कोई लेना देना नहीं था भाई. इसका कोई लेना देना था? बोला गया था क्या कि स्पेस वाली चीज तुम्हारे पे वॉलीज फेंकी जाएंगी, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे? नहीं ना. तो ये भी तो नहीं था कि मैं विराट कोहली की फोटो दिखा के पूछूंगा कि पता अनुष्का शर्मा के हस्बैंड का नाम कौन है, क्या है, क्यों पता है? क्यों पता है विराट कोहली के बारे में और क्यों नहीं पता इसके बारे में? विराट कोहली जो है एक जनरल फिनोमेना हो गया है, जैसे सूरज का उगना और रात का होना, राइट? बट ये जो चीज है, ये एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है. नेक्स्ट स्लाइड. आंखें बंद करो, क्लोज योर आईज एंड जस्ट टेल मी और ट्राई टू रिकॉल. कि आंखें बंद करो सब, बी ऑनेस्ट. आंखें बंद करके बस ये बताओ कि बगल वाले ने क्या पहना हुआ है? क्या पहना बगल वाले ने? हाँ दोस्त, तेरे बगल वाले ने क्या पहना है? नेवी ब्लू शर्ट, जीन्स. बस पहनी होगी. पहनी है. चश्मा लगाया है? नहीं. तो नेवी ब्लू तो नहीं है, बट हाँ शर्ट है, जीन्स है कि पैंट है? जीन्स है, चश्मा नहीं लगाया और घड़ी नहीं पहनी है, ठीक है. आंखें बंद करो, आंखें बंद कर लो, ठीक है. बताओ मैंने क्या पहना है? आंखें बंद रख के बोलो. ठीक है, हुआ क्या? क्योंकि पहला क्वेश्चन जब आया तो तुम्हारे दिमाग ने बोला भाई अगला भी आएगा, राइट? ठीक है, अगर मैं 10 मिनट पहले तुम सबको मैसेज करवा देता थ्रू आलोक कि स्पेस थीम पे क्वेश्चन होगा, आता ना? तुमको थीम पता होती ना, बहुत बेसिक है. थीम इज मून आर गेटवे टू द स्टार्स. ये थीम है इस साल की. क्यों? क्योंकि नासा जो है एक जैसे बस डिपो होता है ना, जहाँ पे बस रुकती है, वैसे एक डिपो बना रहा है चांद के चारों तरफ, जिसका नाम उसने गेटवे दिया है. उस प्रोजेक्ट का नाम है अल्टमिस, है ना, आर्टमिस. आर्टमिस प्रोजेक्ट का नाम है. तो यहाँ से स्पेसक्राफ्ट जाएगा, वहाँ पे जाके होल्ड करेगा, 15-20 दिन रुकेंगे, एस्ट्रोनॉट्स थोड़ा थकान उतारेंगे, एंड देन दे गो बियॉन्ड द मून टुवर्ड द मार्स और आगे जहाँ भी जाना है, ठीक है. लेकिन अगर मैं बता देता और हिंट दे देता तुमको, तो तुम करके आते. जस्ट नाउ क्या हुआ? जैसे ही आई आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि तुम्हारे बगल वाले ने क्या पहना है, तुमको लग गया अगला क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने क्या पहना है. तो तुमने थोड़ी सी आँख खोली, ईमानदारी से चीटिंग करी और देख के बता दिया, राइट? फाइन, आगे. सो इसका मतलब क्या है? ये मैंने करा क्यों? ये एक्सपेरिमेंट जो अपन ने किया ना, जो मैंने तुमसे पूछा भी, एक्टिविटी करने का फायदा क्या हुआ? द थिंग इज रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन. क्या ये इन्फॉर्मेशन रेलेवेंट है कि मैंने क्या पहना है? नहीं ना. क्या ये इन्फॉर्मेशन अभी रेलेवेंट है कि इस बार का स्पेस जो थीम, उसका थीम क्या है स्पेस वीक का? तो ये कौन सा रेलेवेंट है कि विराट कोहली की फोटो देख के पता चल जाए? बट देन दैट इज बींग फीड टू यू. वो तुमको पिलाई जा रही है, खिलाई जा रही है. तो जो चीज तुमको पिलाई और खिलाई जाएगी ना, जबरदस्ती बार बार दिखाई जाएगी, दिमाग पकड़ेगा, ठीक है. अब अपन बात करते हैं इसी से, बहुत प्रैक्टिकल बात है, ठीक है. वो काले वाला मोटा सा एक आता ना बग, मोटा भूडिया टाइप का होता है, भूडिया कहते हैं इसको अपन, काला मोटा, मतलब खूब मोटा होता है, छोटे छोटे पंख होते हैं, इधर उधर उड़ता है पागलों के जैसे और भिड़ता है. एरोडायनामिकली वो उड़ ही नहीं सकता भौंरा, वो उड़ ही नहीं सकता. मतलब उस पर तुम कोई सा ही फिजिक्स लगा दो,
वो जब ही उड़ेगा जब उसके पीछे रॉकेट लग जाए, नहीं तो वो उड़ ही नहीं सकता। लेकिन वो लकी है ना, उसको अपनी भाषा समझ में नहीं आती, नहीं तो बैठ के अपन क्या बोलते, तू उड़ नहीं सकता दोस्त, बोलता ले नहीं उड़ सकते तो चल लेते हैं। दैट्स व्हाट वुड हैव हैपेंड राइट। विराट कोहली जैसी इंफॉर्मेशन तुमको फीड की जाती है तो वो तो तुम पकड़ लेते हो। लेकिन वो मैं ये विराट कोहली ऐसा नहीं कर रहा नेगेटिव है, बट देन ऐसे ही बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी फीड होती है कि तेरे बस का है क्या, तेरे एरिया का है क्या, तेरे फील्ड का है क्या, तू कर पाएगा क्या। ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुमको पता क्या बोलते हैं, लिमिट कर लो अपने आप को। ठीक है, ऑप्शन क्या दिया गया है आज का जो सिचुएशन है ना, उसका ऑप्शन क्या है कि ईंट की भट्टी में तो जाना है, तो ऑप्शन क्या बचा, ईंट की भट्टी में तो जाना है तुमको, ऑप्शन क्या बचा, क्या ऑप्शन बचा तुम्हारे पास। अगर यू हैव टू एंटर इन टू द ब्रिक क्लिन, तुमको ब्रिक के क्लिन के अंदर डाला ही जाएगा, तो या तुम ईंट बनोगे या फिर जलोगे, यानी ऑप्शन ही नहीं बचा ना, जलोगे तो हो नहीं, तो यू विल कम आउट एज ब्रिक। तो अगर सारे के सारे ब्रिक ही बन गए, सारे के सारे ईंट ही बन गए, सबके सोचने का तरीका सेम हो गया, सो देन देयर वोंट बी एनी मोर मिशंस। क्योंकि जब मंगलयान हमको दिया गया था तो मैं तो गया हुआ नहीं था मार्स पे, और ना मेरी पूरी टीम गई हुई थी, तो हमको कुछ आइडिया नहीं था कि क्या सिचुएशन होती है मार्स पे। जो भी डिज़ाइन करना था वो एक्सप्लोर करना था, जो भी गलतियाँ हो सकती हैं उन गलतियों को ध्यान रखना था, ये पता होना था हमको कि क्या गलतियाँ हो सकती हैं, वेयर वी कैन गो रॉन्ग, और उसके लिए सॉल्यूशन भी रखना था कि अगर ऐसा हो। स्पेस में पता है सबसे बड़ी चीज़ क्या चलती है, नो सिंगल पॉइंट फेलियर, यू कांट हैव सिंगल पॉइंट फेलियर। सिंगल पॉइंट फेलियर का मतलब एक बार अगर कुछ गड़बड़ हो तो तुम्हारा प्रोसेस क्रैश नहीं होना चाहिए। चंद्रयान 2, प्रज्ञान, विक्रम, लैंडर गया, गया ना, तो आम आदमी क्या बोलेगा, फेल हो गए। नहीं, हम क्या बोलेंगे, चलो ये तो पता चला कि ये वाला पंगा भी होता है। ठीक है, उसके एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, आई नीड, मेरे को ये देना। तो जो विक्रम लैंडर था, विक्रम लैंडर वॉज सपोज टू गेट डाउन, नीचे आने वाला था। तो क्या था विक्रम लैंडर में, जब भी कोई लैंड करते ना, देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज़, अपन तीन तरीके से किसी भी चीज़ को चांद पे या मंगल ग्रह पे कहीं पे भी अर्थ पे लैंड कराना है तो तीन पॉसिबिलिटीज़ हैं। पहला, चार छोटे छोटे थ्रस्टर्स लगा दो, छोटे रॉकेट्स, तो जब ये नीचे जाएगा तो वो थ्रस्टर्स फायर होंगे और वो इसको स्लो डाउन कर देंगे, पहला। दूसरा, इसके ऊपर पैरासूट लगा दो बड़ा सा, तो अर्थ का तो एटमोसफेयर है तो पैरासूट इसको स्लो डाउन कर देगा, चांद पे एटमोसफेयर नहीं है तो पैरासूट वाली चीज़ बाहर। ठीक है, तीसरा, इसको कवर कर दो एक कुशन टाइप ऑफ बलून में, एक बलून बना दो इसके चारों तरफ, कुशनिंग बलून, और इसको ड्रॉप कर दो। ठीक है, ये अगर 1000 किलो की चीज़ है और मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो होगा क्या, जब वो ड्रॉप करूँगा मैं तो एक टप्पा यहाँ खाएगा, अगला टप्पा ये खाएगा 500 मीटर आगे, बिकॉज देर इज़ अ वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ ग्रेविटी ऑन मून। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को यहाँ पहुँचना है तो मेरे को पहले ही 2 किलोमीटर आगे इसको गिराना पड़ेगा, एंड देन अगेन अनसर्टिनिटी क्या है, टप्पा खा के यहाँ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। सो वी वेंट विद दी प्रोसेस दैट इज़ अवेलेबल कि वील पुट 4 थ्रस्टर्स हेयर जो कि इसको ग्रेजुअली नीचे ला के रख देंगे। अब एक प्रॉब्लम आ गई वहाँ पे, प्रॉब्लम क्या आई, प्रॉब्लम ये आई कि जो चांद की मिट्टी है ये नहीं पता था, ये नहीं पता था ना, नासा को भी नहीं पता था। अपोलो मिशन ख़त्म हो गए, 1968 से 1973 आ गया, 24 एस्ट्रोनॉट हवा में उड़ गए, 12 ने चांद पे चहलकदमी कर ली, सॉल्यूशन नहीं निकल पाया, चांद की मिट्टी को सोल्व नहीं कर पाए। चांद की मिट्टी में प्रॉब्लम क्या है, अगर एटमॉस्फेयर नहीं है, वी हैव एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर है, फ़ायदा क्या है, पहला फ़ायदा बताओ जल्दी, जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, दूसरा, 8th क्लास की ज्योग्राफी, एटमॉस्फेयर क्या करता है, अपने को क्या देता है, टेम्परेचर कंट्रोल, राइट। और तीसरा फायदा, ओजोन में क्या हो रहा है, होल हो रहा है, किस कौन रोक रहा है, एटमॉस्फेयर रोक रहा है, क्या, यूवी। तो सूरज जो है वो ये नहीं देखता है कि चांद है कि धरती है, तो यूवी छोड़ेगा, सोलर इंसोलेशन होगा, सूरज की रोशनी आएगी। ठीक है, एंड अपने को हवा चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो चलो चांद पे तो कोई इंसान रहता नहीं, हवा वाला पार्ट बाहर कर दिया। अगर एटमॉस्फेयर नहीं है और सूरज की रोशनी अगर चांद से आ रही, चांद पे गिर रही है, तो जो चांद की मिट्टी है ना, अगर तुम उसको सूंघोगे तो वैसा लगता है जैसे बारूद हो, क्योंकि वो जल गई,
चांद पे दिन के टाइम का टेम्परेचर होता है 127 डिग्री और रात के टाइम का टेम्परेचर होता है -173 डिग्री। तो चांद की जो मिट्टी है वो पहले 14 दिन, जब वहां पे चांद पे 14 दिन दिन रहता है वो 14 दिन रात रहती है, तो 14 दिन तक वो मिट्टी 127 डिग्री सेंटीग्रेड पे भट्टी में जल रही है, रात आई वो मिट्टी -173 पे ठंडी हो रही है। इतनी साइकिलिंग अगर तुम किसी भी फिजिकल, कोई भी फिजिकल चीज की कर दोगे, इट हैज टू ब्रेक डाउन, ठीक है एक चीज। लेकिन इसका होगा क्या? होगा ये, चांद की मिट्टी पे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, वो बलून जो था ना उससे वो अच्छा समझ में आता, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज पता है ना, सर्दियों में तुम जब प्लास्टिक की चेयर से उठते हो और जाके नल खोलते हो, चटैक आती है आवाज, ठीक है। तो जब तुम एक प्लास्टिक की चेयर पे नन्ने मुन्ने से तुम राही बैठ के उठते हो तो ही तुम में चार्ज आ जाता है। अगर सूरज अपनी यूवी तुम पे डाले जा रहा है वो भी 14 दिन तक कंटिन्यूसली, तो सोचो कितना चार्ज आएगा। सो होता क्या है, चांद की जो मिट्टी है, जब एस्ट्रोनॉट ने लैंड किया मिट्टी ऊपर चढ़ने लग गई, ठीक है। आई विल शो यू द फोटो, आई थिंक आई हैव द फोटो। एक बार आगे जाइए और आगे जाइए, आगे आगे जाइए, हाँ एकदम सफ़ेद होता है स्पेस जो सूट होता है, क्योंकि वाइट कलर इज़ द बेस्ट रिफ्लेक्टर, तो हीट एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन ये सफ़ेद नहीं दिख रहा, ये इंसान गिरा नहीं है, इसने बस एक्सप्लोर किया है चांद को और मिट्टी इसके पूरे शरीर पर चढ़ गई है, ठीक है एक चीज़। दूसरा, सिंस वी हैव एटमोसफेयर ऑन अर्थ, तो अपनी जो मिट्टी होती है ना उसके जो एजेस होते हैं वो राउंड हो जाते हैं, इरोजन, राइट, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ द नेचर, विंड वाटर, अब ऐसा तो कुछ है नहीं चांद पे। तो चांद की जो मिट्टी है उसके जो एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं, वो शार्प होते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए। ये जो है ये नील आर्मस्ट्रांग का फुटप्रिंट है, जब उसने पहला कदम रखा ना तो वो ऐसा छपा था, ठीक है। आज भी ऐसा है और आज से 100 साल बाद भी ऐसा रहेगा और आज से करोड़ साल बाद भी ऐसा ही रहेगा, बिकॉज मून इज नॉट गोइंग टू गेट एनी एटमोसफेयर। एटमोसफेयर नहीं है तो हवा नहीं चलेगी, हवा नहीं चलेगी तो इस मिट्टी को कोई उड़ाएगा नहीं, बारिश वहाँ पे होगी नहीं, क्योंकि बादल जब बनेंगे जब एटमोसफेयर हो। ये अभी भी वैसा है। अब जब इस फुटप्रिंट को देखा तो पता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरी आई थी बहुत बड़ी 1980s में कि यूएसए ने दुनिया को पागल बनाया है, यूएसए ने, ओके वो एक बोतल दे दीजिए मेरे को, खाली खाली कर दीजिए इसका।